नवजोत सिंह सिद्धू एक्स हो सकता है, कोई MLA एक्स हो सकता है, कोई मंत्री एक्स हो सकता है, चीफ मिनिस्टर एक्स हो सकता है, लेकिन पार्टियां कार्यकर्ता नाल चलदियां ने, इन्हां दी मेहनत नाल चलदियां ने, और मेरे उत्ते नीटे वोरे वर्गे कार्यकर्तावां दे एहसान ने, मेरे एक एक रोम दे उत्ते उन्हां दा एहसान। और जदों कोई इहो जिहा साथी छड्ड के जांदा है तो उहदी याद जिहड़ी है एक तो अंदर खोह पाउंदी है, लेकिन उहदा परिवार जिहड़ा है उहदे मुखिया होण दे नाते कुछ फर्ज़ भी होंदे आ, वो जिम्मेवारियां भी होंदियां ने, वो साढ़े फर्ज ने कि असी निभाईए। अज भी नीटे वोरे दे नाल मेरा आत्मिक जोड़ है, उहदा परिवार हमेशा ही मेरा परिवार रहूगा। उस बंदे की खासियत यह सी कि वह बगैर मंगे पार्टी की सेवा करता, उन्हें कदे जिंदगी दे विच आके नहीं कहा भी मैनू आ दे दो तो मैनू वह दे दो, यही निस्वार्थ सेवा उहदी जिहड़ी है इज्जत है। इस करके इस परिवार को मैं अपनी पग का लड़ मंगा। तू कदे भी किसानां दी मेहनत, किसानां दे दिल चों निकली हुई ये जिहड़ा मतलब पर्वत की हरियाली होंदी है ना मित्रा, पर्वत की हरियाली देख के कोई अंदाजा नहीं ला सकता, ये ध्यान ना सुनो, पर्वत की हरियाली देख के कोई अंदाजा नहीं ला सकता कि उहदे अंदर कितनी अग धड़क रही है। तो ये जिहड़ा ज्वालामुखी फुटिया ना, इहदा कोई अंदाजा नहीं सी किसे नूं, इह किसान दे आत्मा चों फुटिया, मजदूर के दिल चो फुटिया। इस करके सरकारां नूं चाहिए कि सुचेत हो जाए, क्योंकि ये वधना ही है घटना नहीं, समझते हो। जदों सरकारां अपनी प्रजा के उत्ते जुल्म करन लग जाण और उन्हां दे हक खो के चंद अमीरां दे हवाले कर देण, तो फिर ये जिहड़ी क्रांति है ये आउंदी है। इस करके मैं मेरी पछाण है, किसानी साडी पछाण है, असी इहदे बिना इह अस्तित्व है साडा। और जदों भी कोई किसान लड़दा इस तरह सरकार नाल, सरकारां दा दर्जा माँ बाप दा हुंदा, जदों कोई किसान सरकारां नाल लड़दा इहदा मतलब उहदी अपनी जिंदगी दाव ते लगी है, समझदे नो। जदों जिंदगी दाव दे उत्ते लगी होवे ते उदों अगर किसान लड़दा ते हर बंदा पंजाबी उहनां दे नाल खड़ा है। बहुत वधिया लगा सिद्धू साहब खुद आए ने, मेरे पापा दे फ्रेंड सर्कल भी जिहड़े पोलीटिकल सारे इलाका निवासियां दा, मैं सारिआं दा दिलों धन्नवाद करदा कि अज मेरे पापा दे बर्थडे वाले दिन सारे उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण आए ने, कि असीं इदां ही कि मतलब सारा इलाके वासियां दा चंगा कीता ते सारे चंगे कम्मां लई अगे आए ने, मैं सारिआं दा दिलों धन्नवाद करदा जी। साथी स्वर्गीय जिहड़े गुलशन वोरा जी, नीटा जी समाज दे एक अग्रणी चेहरा सी अमृतसर दा, धार्मिक ते समाजिक कम्मां लई जिहड़ा वै उहनां नूं हमेशा याद रख्या जाएगा। अज उहनां दा जन्म दिहाड़ा सी, उहनां दे जन्म दिहाड़े दे उपलक्ष ते उहनां दे जिहड़े सुपुत्र ने ऋषभ जी, उहनां ने ते उहनां दे सारे साथियां ने अज मिलजुल के एक यादगारी गेट ते उहनां दी याद च स्वर्गीय नीटा जी दी याद च एक मूर्ति दी स्थापना दिवस अज रख्या सी, जिहदे च उचेचे तौर ते कई समाजिक धार्मिक ते पोलिटिकल हस्तियां पहुंचियां। साढ़े सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, साढ़े एक्स कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब भी उचेचे तौर पर अपना समय कढ़ के पहुंचे, होर भी जिहड़े है पोलिटिकल लोग वो पहुंचे ने, जितों यह पता लगता है कि जिहड़े स्वर्गीय नीटा जी है उन्होंने अमृतसर दे विच जिहड़ा अहम एक रोल निभाया सी समाज दे विच सेवा करते हुए, और जिन्ना यूथ इत्थे पहुंचिया वै इतों पता लगता है कि जिहड़ा उन्हां दा गुस पुत्र है ऋषभ, वो अपने पिता जी के कदमां ते चलते हुए जिहड़ा वै समाज के विचों भी इस तरह ही अग्रणी हो के काम कर रहा है। हरमन प्यारा भरा सी नीटा वोरा जो स्वर्गवास हो गया, अज उन्हां दे जन्मदिन के उपर जो महला निवासियों वालों खासकर उन्हें बेटे वालों जो अजी उपराला किया गया, जो उन्हां दी मूर्ति इत्थे स्थापना की जा रही है, चंगे लोगों के चंगे काम हमेशा अगे आते हैं, समाज में उन्हां दे जो चंगे काम से उसनों देखते दे हुए जो लोगों ने उपराला किया उहदे नाल एक समाज के मैसेज आता कि जो लोग चंगे काम करते हैं उन्होंने नाल सारा समाज, सारा मोहल्ला, सारे पोलीटिकल लोग, सारे धार्मिक संस्थावां उन्होंने नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े रहिंदे ने। अज उन्होंने परिवार के नाल तुसीं देख सकते जे सैकड़ों की तादाद के लोग आए हैं, वख-वख अपने अपने